और में बहुत ज्यादा ही महंगा हो सकता है ये होटल। इसका कार्यकाल हमारी जिंदगी में यहीं पे हो रहा है समाप्त। बताएंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे, वीडियो में बने रहिए आप। हीरो आज की डेट में सबसे बेकार इंजन्स बना रहा है, ऐसा अगर मैं कहूँ तो गलत होगा क्या? मैं वीडियो में आगे इसको स्पेसिफाई करूंगा। और हीरो को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ डिटेल में आपको समझाऊंगा, उससे पहले जाके अपनी गाड़ी की हम डिलीवरी लेते हैं। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हाँ, ये ले लिया डिलीवरी गाड़ी की, है ना, यहाँ पे है हमारी गाड़ी और डिलीवरी यहीं पे मिल गई। बिल्कुल नहीं, चलिए जाते हैं। बज रहे हैं लगभग दोपहर के 2 और अभी हम निकले ही थे कि एक दुविधा सामने आ गई हमारे, पे बैठ के केले खा रहे हैं। ये दुविधा नहीं है, ये जो बाइक है इसकी पेट्रोल खत्म हो गई है। 2-2.5 लाख रुपए की बाइक की डिलीवरी हम लेने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। एनीवे, ये भी एक फन है, मेमोरीज है। और हीट वेव जो चल रहे हैं ना इस वक्त बॉम्बे में, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, समंदर पास में है। जिस गाड़ी को हमने पेट्रोल निकालने के लिए लाया था, इतना सा पेट्रोल निकला है, इसका भी पेट्रोल खत्म हो गया। आप भी कहोगे कैसे कैसे दोस्त हैं हमारे, ठीक है कोई ना, झेल लेंगे। अब उतने में वो आगे चल जाएगी, अब तीनों एक गाड़ी पे ही बैठ के अब जाते हैं। ये सामने है जीवदानी माता का मंदिर पहाड़ के ऊपर, और उनके नीचे के सड़कों की ओर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। और ये जिन रास्तों की ओर से हम गुजर रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में रास्ते हैं। बारिश के दिनों में मानो जी उठते हैं, चारों ओर हरियाली निखर जाती है। तो इस वक्त हम आ गए हैं शोरूम पे, लेते हैं गाड़ी की डिलीवरी। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत जो भी पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज हैं वो कर लेते हैं। और तय की बात यह है कि नंबर अभी तक आया नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है, और उसके लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। एंड ट्रस्ट मी, वर्थ होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन। हमारे मित्र भी यहाँ पे हैं, तो इट्स गुड। इंश्योरेंस का टर्म कंडीशन है, गाड़ी लेते समय फर्स्ट पार्टी अपने बाइक का है, ओन डैमेज रहेगा वो 1 ईयर तक रहेगा, और सेकेंड पार्टी है वो 5 साल तक है। तो फाइनली हमारे बाइक की डिलीवरी हमें मिल चुकी है। वो भी वाला सीन लेना था, वो कपड़ा वहां से हटाते हैं ना, पर ये कह रहे हैं कि कपड़ा किसी को दिए हुए थे और वो शादी में चले गए, तो हम कपड़ा हटा नहीं पाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अरे वो एक फील आता है ना, रील उसे बन के आता है उभर के सामने। तो फाइनली हमारी गाड़ी की डिलीवरी मिल चुकी है। अगले कुछ दिनों तक उतना ज्यादा राइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि नंबर अभी आई नहीं है। ये मेरी तीसरी गाड़ी है बाय द वे, इससे पहले मैंने 2 स्कूटर्स लिए हुए थे। और ये साल लगभग मुझे लगता है आईफोन हमारे पास हो गया, मैकबुक हो गया हमारे पास, यानी कि एप्पल का लैपटॉप, और अब ये CB200X। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जिन्हें खरीदने पे अभी हमें ध्यान देना है, जैसे कि GoPro ऑन प्रायोरिटी लेना है। इसका हेलमेट बाय द वे अभी तक आपने नहीं देखा ना, मैं दिखाता हूँ कमाल। हाँ चलो दे दो, ये वाला हेलमेट हमने सेलेक्ट किया, हालांकि सर में तो बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, पर ऑब्वियसली इसके सामने एक GoPro माउंट करना है, और उसका सेटअप लाने में लगभग लग जाएगा 50,000 से 55,000 रुपए। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 2 महीने के बाद, लास्ट 2 महीनों में कोई भी दूसरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ओके मनु भैया, नए बार की हार्दिक शुभकामनाएं है। थैंक यू। ये मंदिर पे आज सोचा पूजा वगैरह कर लेंगे गाड़ी का, लेकिन बंद है अभी मंदिर, दोपहर का वक्त है इसलिए। अब देखते हैं यार, वो गाड़ी पे बैठ के पीछे एक दो फोटोज निकाल लेना पांडे जी आप हमारे, है ना, फोटोज नहीं वीडियोज ले लेना गाड़ी चलाते हुए, थोड़ा वीडियो का ये भी एक हिस्सा बन जाएगा। आई विश कि ये मेरे ऊपर सूट हो रहा है, गाड़ी पावर फील हो रही है 200 सीसी की इसमें। भाई जो 200 सीसी की गाड़ी, और इससे पहले मैंने सोचा था लेने के लिए एक्सपल्स, पर हीरो पे मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वीडियो के शुरू में भी शायद मैंने थोड़ा बोला इस बारे में,
हीरो की मैं स्कूटर चला रहा था और इनफैक्ट हीरो के आप रिव्यूज वगैरह ना ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे तो रिजल्ट आपको उतना बढ़िया मिलेगा नहीं। इनफैक्ट एक्सपल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, एक्सपल्स के इंजन में बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे थे। तो आई थॉट कि होंडा का इंजन रिलायबल है, हालांकि एक्सपल्स भी मुझे पसंद थी और ये वाली गाड़ी एक्सपल्स से महंगी है, बहुत ज्यादा नहीं बट स्टिल का लुक मुझे ज्यादा पसंद आया। एडवेंचर बाइक है सॉर्ट ऑफ, ये टूरिंग एडवेंचर कह सकते हैं। इस वक्त आए हैं पेट्रोल पंप पे, उसमें डाल देते हैं पेट्रोल और वही जो थोड़ा बहुत आपने मुझे वीडियो में देखा चलाते हुए वही चलाया। उसके बाद ये लोग ही मेरे सारे दोस्त एक के बाद एक चलाए जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। काफी ज्यादा वेट है इसमें। माला दे दीजिए, कितने सारे लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है शंकर जी की मंदिर, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, चार चीजों में एक साथ हम व्यस्त हो जाते हैं और ऐसे में ये स्ट्रेसफुल लाइफ में खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती, चीजों को लेके हम इतनी आसानी से खुश नहीं हो पाते। इन्हें तो वहाँ ही चढ़ा देते हैं आके मंदिर पे। श्री भोलेनाथ भगवान जी के सामने मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे लाइफ से स्ट्रेस, आपके लाइफ से स्ट्रेस जाए, हमें खुशी के कुछ पल मिले, वो बचपन जो हमने जिया स्ट्रेस भी, वैसे कुछ पल आपके हमारे जीवन में आते रहे। और बाय द वे ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं बहुत ज्यादा खुशी नहीं देती बट ऑब्वियसली लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रहा है, आप कुछ नया कर रहे हो। डमरू भोले बाबा का सबसे पहली स्कूटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक्टिवा लिया और वो गाड़ी हो गई कुछ वक्त के बाद चोरी। पहले पेट्रोल चोरी होता था, एक दिन नंबर प्लेट चोरी हो गया, एक दिन गाड़ी ही चोरी हो गई। और तुम्हारा पड़ोसी था जो तुमसे मांग के लेके जाता था चाबी, उसी ने नकली चाबी डुप्लीकेट बनवा के इनकी स्कूटर चुरा ली थी। इनको पता है कि वही चोर है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाया। नहीं, इस बात पे मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि कौन चोर था, पर हाँ वो चोरी हो गई। फिर दूसरी गाड़ी ली मैंने, हीरो की मैस्ट्रो, जो कि मैं कहूंगा वन ऑफ द वर्स्ट गाड़ी है। लोगों के पास भी मैस्ट्रो गाड़ी है, उन सब से मैंने बात करी, सबकी ही बहुत खराब रिव्यूज है। इसमें अभी क्रैश गार्ड आएगा, आगे पीछे सैडल स्टे आएगा, हैंडल थोड़ा सा राइज कर सकते हैं हम, आगे हेडलाइट के ऊपर कवर आएगा, तो उसके बाद ये गाड़ी बीस्ट दिखेगी और ज्यादा बड़ी दिखने लग जाएगी। हीरो होंडा जब साथ में थे अच्छी गाड़ियां बनाते थे, पर जब हीरो अलग हुआ होंडा अलग हुआ तो होंडा का इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाता है। ऐसे में ये गाड़ी जितने की है इसके आधे दाम में अच्छी गाड़ी आ रही थी, ये मेरे बजट से ज्यादा जा रही थी, बट स्टिल मैं इस गाड़ी को क्यों लिया उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी आज लिया हूँ तो इस उम्र में 25-26 के इसकी थोड़ी वैल्यू मैं डेफिनेटली कर लूँगा, लेकिन आज से 5-6 साल बाद शायद इसका कोई वैल्यू मेरी ज़िंदगी में नहीं रह जाएगा। मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, तरीके, प्रायोरिटी सब कुछ बदल चुकी होंगी, तो इसका वैल्यू 5-6 साल बाद नहीं होगा। और ये हम थंबनेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक मैंने ध्यान दिया कि थंबनेल वीडियो का लिया ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्ती पहना है, पूरा मुंह वगैरह मेरा पैक हो गया है और मुझे नहीं पता कि आपको आवाज़ की क्लैरिटी मेरी कितनी आ रही है। हेलमेट के साथ जब मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी की तो इसकी आवाज़ तक मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, इतना ये टाइट है। अब सिर्फ एक दिक्कत होने वाली है कि स्कूटर अब तक चलाने की आदत है तो सामान वगैरह जो भी कुछ कैरी करना होता था अपने साथ में इजीली स्कूटर में कैरी हो जाता था, अब इसमें कुछ रख ही नहीं सकते। पर पीछे मुझे लगवाना है, इसमें भी टॉप बॉक्स लगवाना है, सैडल स्टे के साथ साथ वो बैक सपोर्ट होता है वो करना है, तो वो सारी लगने में एक महीना तो मुझे लगता है चला ही जाएगा इजीली। एक और चीज है इस गाड़ी का, इसमें किक स्टार्ट नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है। फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियों में किक स्टार्ट वैसे यूजुअली आजकल दिया नहीं जाता है। आज सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ, डेली चलाने के लिए कम्फर्टेबल स्कूटर और हाईवे पे जाने के लिए, दूर जाने के लिए, घूमने के लिए ये स्पोर्ट्स बाइक, मजे ही मजे, पेट्रोल भी नहीं डलवाना है, मजे ही मजे। सीट इसके बहुत हार्ड एंड कंफर्टेबल नहीं है, हालांकि ये मुझे पहले से पता था, रिव्यूज मैंने देख रखे थे। अब देखता हूँ इसमें अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। और अब ये इस गाड़ी को कहीं पे तो ठिकाने लगाना पड़ेगा या फिर ऐसे ही पड़ी रहेगी यहीं पे। इस बाइक में एक मेजर समस्या मुझे ये लग रही है कि लाइटिंग, ऑफकोर्स ये भी मैंने रिव्यूज में देखे हुए थे, लाइट्स इसके बहुत ज्यादा बेटर नहीं है,
रात में ऐसे एकदम से अंधेरे रास्ते पे टूर वगैरह पे आप जा रहे हैं तो सिर्फ ये लाइट से तो नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने ही पड़ेंगे। पर इस पे ऐसे बैठ के, ह्यूज बाइक है और ये बाहर का जो एरिया है बहुत बड़ा है, ये डेफिनेटली फील हो रहा है। शाम का वक्त है और ये वाली प्लेस पे हम आए हैं इस वक्त, हिमालयन है यहाँ पे। हिमालयन भी मेरे माइंड में था, ऑब्वियसली एक्सपल्स के साथ साथ हिमालयन भी लेने की मैं सोच रहा था, इन दोनों में कंफ्यूज था। फिर एक्सपल्स को तो बिल्कुल निकाल ही दिया मैंने अपने लिस्ट से बिकॉज ऑफ हीरो ऑब्वियसली, और हिमालयन एक अच्छी गाड़ी है बट स्टिल ये भी थोड़ा खर्चा ज़रूर देती है। लगा था बहुत ज़्यादा ही महंगा हो सकता है ये होटल, लेकिन इनके रेट्स वगैरह देख के लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा एवरेज से हल्का ज़्यादा है। That's it. माइक लाया नहीं हूँ और यहाँ पे नॉइस बहुत है, ब्लॉक करना उतना संभव है नहीं, तो थोड़ा दोस्तों के साथ यहाँ पे मजे करते हैं और इनको अब यहाँ पे बैठना है। ठीक है यार, मैं खुद देख लेता हूँ मेरे ब्लॉग। एनीवे इनको यहाँ पे बैठ के पीछे बैकग्राउंड के साथ वीडियोज लेने थे, फोटोज लेने थे एक्चुअली। इनका बैठ जाइए में, वैसे उतना टेस्ट नहीं है पर बाकी खाना मज़ेदार था। और लगभग यहाँ पे बैठे बैठे हमें 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और ये लोग है साथ में। एनीवे इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।